पहुंच जाता है, निकोबार पहुंच जाता है, इसके बारे में आपको विचार करना पड़ेगा। तो ये बात पक्का है, ये बात जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन के लोग, जिनका जिम्मेदारी है ड्रग्स को रोकने का, कोई ना कोई तो मिला हुआ है जो गांव गांव में बच्चों के पास में ड्रग्स पहुंच जाता है। दोस्तों और साथियों, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये शुरू हुआ है हाईलैंडर लोकल ऑटो ड्राइवर, जो जिनका जायज मांग है वो चलाने से शुरू हुआ है, मगर ये अंडमान का जो मुद्दा है ये पानी तक चला जाएगा। दोस्तों साथियों, हम लोग इस साल 2023 में कोई ऐसा घर नहीं होगा जो परेशान था पानी के लिए। 10-10 दिन में आपको पानी मिलता था, मगर जहां पे पैसा पानी में भी कमा रहे इन लोग कमाए। मगर मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से, क्योंकि पानी का जो अभी समस्या दूर हुआ, इसमें भगवान हम लोग का मदद किया, बारिश आ गया, तूफान आ रहा है, मिल रहा है। मगर कल को 2024 में फिर अगर एक महीना मानसून देरी होगा, आपने क्या किया इसका जवाब हमको आपको देना पड़ेगा। यह समस्या बढ़ता जाएगा, क्योंकि अंडमान में जो मेनलैंड से ऑफिसर आता है, नहीं, नहीं है, दो साल के लिए आता है, आधा से ज्यादा, मैं ऐसे नहीं बोलता कि सबके सब भ्रष्ट है, करप्ट है, अच्छे अफसर भी है। आज अंडमान निकोबार प्रशासन में लगभग 90% लोग अच्छे, हम ये बोल सकते हैं। मगर एक समय था आपका कोरोना का टाइम में, आप लोगों ने नाम सुना होगा डिप्टी कमिश्नर सुनील अंजी पक्का का, वो कितना त्राहिमाम करके रखा था, कितना पैसा चोरी करके रखा, तमाम एजेंसी को मालूम है, उसका कुछ नहीं हुआ। एक से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आया, नौकरी देगा, उसके साथ में बलात्कार का केस हुआ, एक चीफ सेक्रेटरी आया, एक IAS ऑफिसर आया, अपने काम करने वाले को थप्पड़ मारा, उसका केस रजिस्टर कराने के लिए उसको कोर्ट में जाना पड़ा, कोई एक्शन नहीं हुआ, आराम से यहां से चला गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो अंडमान का नेतृत्व तो है, ये कहीं ना कहीं कमजोर है। एक जमाने में ऐसे नहीं होता था, आज से 20 साल पहले आप चले जाइए, जब सरदार नेचर सिंह चौहान, अब्दुल्ला कुट्टी, PKS प्रसाद, ऐसे अच्छे धाकड़ धाकड़ नेता थे, किसी अफसर का मजाल है कि अंडमान के लोग को साथ में जाती कर दे। मगर आज हमारा जो अंडमान का लीडर है, आज हमारा जो YouTube का लीडर है, आज हमारा जो Facebook का और WhatsApp का लीडर है, जो अपने आप को एक ऑडियो वीडियो डाल करके सोचता है कि हम अंडमान के लिए बहुत काम कर दिया, रोड में उतरने का, लेफ्टिनेंट गवर्नर जाकर के राजनिवास पे गिराव करने का जिनको ताकत नहीं है, जाके चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का गिराव करने का ताकत नहीं है, जिनको ये ताकत नहीं है कि अफसर के टेबल में जाकर के बात करे, वो व्हाट्सएप के लीडर बनकर रह गए। तो दोस्तों साथियों, हमको विचार करना होगा, हमारा जो लड़ाई है बहुत बड़ा लड़ाई है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं इनको साथ दे रहे हैं हमारा लोग। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे खुलासा करना चाहूंगा, कई लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग थोड़ा काम करते हैं, ग्रास रूट में काम करते हैं, पेपर के साथ काम करते हैं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था कि अंडमान से जितना इंक्रोचमेंट है उठाओ। इन्फ्लेक्स ऑफ पॉपुलेशन एक रोड आया था, वर्ड आया था कि अंडमान में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, इसके ऊपर में काबू कराओ। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, आज उसके ऊपर में आपने काम क्या क्या किया? 2003 के बाद में कितना इंक्रोचमेंट आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में इंक्रोचमेंट हुआ, उसके बारे में आप पूछिए तहसील ऑफिस से। आपको जानकारी लेना होगा कि किस तरीके से बाहर का लोग आकर के पहाड़ काट करके बैठ जाता है। इसी तरीके से नौकरी का बात आया, जब हम लोगों ने OBC का बात किया, तो बाहर से लोग ये नौकरी आकर के हमारे बच्चों को नौकरी लेकर के जाने लगे, मगर हमारा जो जितना भी हक है उनको छीन करके दिया जा रहा है। दोस्तों और साथियों, ये समस्या यहां से शुरू हुआ है, ये आवाज हम लोग यहां से आज उठा रहे हैं, ये आगे चलता रहेगा। ये बात ऑटो ड्राइवर का मसला नहीं है, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं हर एक बेरोजगार युवा से गुजारिश करूंगा, मैं हर उन मां बाप से आज गुजारिश करूंगा जो आइलैंड अंडमान का बासिंदा है, आपको आज आवाज उठाने की जरूरत है। नहीं तो इस तरीके से लोग ही भारी लोग बढ़ते जाएंगे, राजनीति करने वाले उनका वोट बैंक लेकर के राजनीति करेंगे। हमारा एक दिन ऐसा आएगा कि आइलैंडर का जितने लोग, चाहे P42 हो, चाहे सेटलर हो, चाहे 10 ईयर्स के हो, इनका दरकार उनको नहीं होगा। दोस्तों और साथियों, कुछ लोग ये बात का दुष्प्रचार करते हैं कि ये जो आइलैंडर्स ऑटो ड्राइवर्स है वो बंगाली के खिलाफ है। मैं एक चीज यहां से साफ कर देना चाहता हूं कि यहां पे जितने लोग खड़े हमारे आइलैंडर्स ऑटो ड्राइवर्स, इसमें 25% हमारा बंगाली भाई है।
25% तमिल भाई है, 25% तेलुगु भाई है, उसमें हिंदी भाषी है, उसमें मलयाली भाषी है, उसमें पूरा हिंदुस्तान में जितना भाषा है आइलैंडर्स में उतना भाषा है। तो आप लोग ये बात को प्रचार करना भूल जाए, छोड़ दे कि अंडमान जो आइलैंडर्स ऑटो ड्राइवर्स आइलैंडर्स के लोग हैं ये बंगालियों को भगाने का बात करते। कहां से जाएगा बंगाली आदमी यहां से? जो सेटलर भाई हमारा बंगाली भाई है, जो यहां पे टंगे जो बैठा वाला कई बंगाली भाई है, यहां पे कोई जात पात भाषा का कोई भेदभाव नहीं है। जो आदमी ऑटो यूनियन अपना पैसा कमाने के लिए चलाता है, उसके साथ में तीन जो व्हाट्सएप तीन के युवा एक दो लोग जिनका सुबह सुबह व्हाट्सएप में ऑडियो डालने से होता है, रात का सोना व्हाट्सएप में ऑडियो डालने से होता है, एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अंडमान निकोबार जो ऑटो आइलैंडर्स के लोग हैं ये बंगाली के खिलाफ है। हम लोग तो सहानुभूति रखते हैं उन लोगों के साथ में जो 15-20 साल से यहाँ पे ऑटो चला रहे हैं, पैसा किसी और को देते हैं, हमको उनके साथ में सहानुभूति है कि उनके साथ में वो यूनियन वालों ने धोखा किया। आप लोग को हमारे हमसे नाराज होने की जरूरत नहीं है, ना कानून से अपने प्रशासन से नाराज होने की जरूरत नहीं है। जो यूनियन लीडर ने आपको धोखा दिया, आपसे पैसा लिया, आपको जबरन आप पुचका बेचते थे, दूसरा काम करते थे, सब्जी बेचते थे, इस लाइन में आया, उससे आप सवाल जवाब करें। दोस्तों और साथियों, ये मुद्दा यहां पर नहीं छूटेगा। हम लोगों ने कमर कस लिया है और तमाम जितने राजनीतिक दल है, जितने नेता है, सबसे हम लोग गुजारिश करते हैं कि यह मुद्दा आपका मुद्दा, आपके बच्चों का मुद्दा है। जितने भी लीडर है सब आइलैंडर्स है, लोकल है, आपके और हमारे बीच के है, उनका भी फर्ज बनता है कि हमारा इस मुद्दा में अपना साथ दे और सहयोग दे। वोट का राजनीति एक तरफ जाएगा, मगर आपका जो मातृभूमि का राजनीति है, हमारा जो अंडमान का राजनीति एक तरफ जाएगा। हम लोग धरती पुत्र है, हम लोग अंडमान के लोग है, हम यहां से अगर चेन्नई चले जाए, बंगाल चले जाए, अगर जाकर के वहां कोई बोलेगा हम ठेला लगाएगा, दूसरा दिन बगल वाला ठेला तो फेंकेगा मार के किसी नाली में हमको डाल देगा। अगर हमारा कोई यहां का आइलैंडर ऑटो जगह चलाने जाके मुख्य भूमि मांगेगा, उसको ऑटो चलाने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों और साथियों, यह विचार करना पड़ेगा प्रशासन को कि हमारा जो मांग है यह जायज मांग है, इसके ऊपर मैं आपको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करना पड़ेगा। मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से एक गुजारिश करूंगा कि यह मुद्दा 2007 से बढ़ता नहीं था अगर हमारा अंडमान निकोबार पुलिस डिपार्टमेंट अगर सही तरीके से कार्रवाई करता था। हम लोग हर रोज आते हैं उनके टेबल में, सर देखिए ये ऑर्डर है, आप चलान कीजिए। हमको बोलता है कि आप गाड़ी बताओ कौन सा चलान करेगा। अभी 2-3 दिन पहले एक ऑडियो आया कि भाई फलाना ने मार दिया, आनंद ने किसी को मार दिया, वो मसला क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा। ये लाइन का जो मैंने आपको बताया, हमारे तमाम आइलैंडर्स जो कानून को मानते हैं लाइन से जाते हैं। एक नॉन आइलैंडर रत्ना मार्केट के सामने से गाड़ी लिया, हमारा साथी है आनंद, कैमरा लेकर के रिकॉर्डिंग करने लगा, उसको गंदा गंदा गाली दिया, उसका कैमरा में हाथ मारा, हाथ मारेगा तो भाई जायज है, आपका फोटो में अगर फोन में हाथ मारेगा तो रोकेगा। उसका लीडर को फोन किया, लीडर उसका इतना शातिर है, शातिर क्यों है, क्योंकि 96 में वो भी आकर के ऑटो चलाता था यहां में। 96 में ऑटो चलाने वाला आदमी, मैं कई ऐसे टैक्सी ड्राइवर को जानता हूं, कई ऐसे ऑटो वालों को जानता हूं जो 91 में ऑटो चलाते थे, आज भी बेचारे ऑटो चलाते हैं। ईमानदारी से एक आइसक्रीम बेचने वाला आदमी, जब हम स्कूल पढ़ता था तब आइसक्रीम बेचता था, आज भी आइसक्रीम बेचता है, उसको मैं जब भी देखता हूं उसको सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि आज भी वो ईमानदारी से है। वो ट्रेड यूनियन का लीडर जो है, जो अपने आपको बड़ा ट्रेड यूनियन लीडर बताता है, अंडमान में दंगा फैलाने का बात करता है, बोलता है कि राजनिवास में जो घिराव हुआ, राजनिवास में जो पत्थरबाजी हुआ, उसका भी परमिशन उसने लिया था। तो सोचना पड़ेगा। देखिए, आंदोलन करने का हक सबको है, हम लोग को भी है, मगर किसे? गांधीवादी तरीके से। हमारा संविधान जो मेरे को हक देता है, जितना ताकत देता है, संविधान का दायरा में रह करके हम लोग को अपना आंदोलन करना है, प्रशासन से सहयोग मांग करके, प्रशासन को सहयोग दे करके हमको आंदोलन करना है। कानून को कोई भी बासिंदा हाथ में नहीं ले सकता, अगर कोई कानून को हाथ में लेगा हम लोग तो उसका साथ देगा भी नहीं। मगर वो जो ऑटो यूनियन का लीडर है, आज बात करता है नॉन लीडर और नॉन आइलैंडर को भड़काता है, बोलता है कहीं से भी तुम अपना गाड़ी में चलाओ, कोई होगा तो मेरा पास आओ। अरे मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, खुल्लम खुल्ला उसका वो ऑडियो और वीडियो वायरल होता है, आप बुला करके अब तक उससे पूछा क्यों नहीं कि ये भड़काऊ भाषण क्यों देता है? जैसे मैं बता रहा था, ये भाई साहब हाथ उठाया अभी यहां पे, मेरे ख्याल से 1990 से ऑटो चला रहे हैं, 1990 से ऑटो चला रहे हैं, आज भी उनका एक ही ऑटो है क्या? एक ही ऑटो उनका, मगर वो ट्रेड यूनियन लीडर
जो 96 में अंडमान में आया, 96 में ऑटो चलाना शुरू करा, आज बेनामी तरीके से उसका 10 ऑटो चल रहा है, एक ही नंबर है उसका। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जब उसको ऑटो परमिट दिया गया, कैसे पकड़ा गया, अपना फोन नंबर दिया था। तो मैं पूछना चाहता हूं, कैसे इतना पैसा कमा लिया हो? एक आदमी जो लोकल आदमी है, अपने घर में रहता है, 1990 से आज भी एक ऑटो चलाता है। एक बाहर से आया वाला आदमी 96 में ऑटो चलाना शुरू करता है, आज उसका पास में 10 ऑटो है। कहां से 2 नंबर का पैसा आया? जब तुम्हारा पास इतना पैसा था तो तुम ऑटो कैसे चलाना शुरू किया? 96 से तुम इतना ऑटो चला के इतना पैसा कमा लिया कि आज तुम्हारे पास में 10 ऑटो है, एक ड्राइविंग स्कूल है, उसके पास में 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ी है, सुनने में आता घर भी बना लिया। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ये काला धन, ये ब्लैक मनी उसके पास में कहां से आया, इसके बारे में प्रशासन को सोचना पड़ेगा। आज हम लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो यूनियन की आड़ में अंडमान के लोगों को भड़काना की कोशिश करता है, गरीबों को गरीबों से लड़ाने की कोशिश करता है, ऑडियो वीडियो डाल करके बोलता है कहीं से कुछ भी करो, तुम रास्ता में चलते चलते कहीं से भी पैसेंजर उठा लो, लाइन का बगल से उठा लो। आप बताइए मुझे, यहां से लाइन में जाता है एक कानून से चलने वाला आदमी, लाइन से जाकर के पैसेंजर उठाएगा, एक गैर कानूनी तरीके से बगल से पैसेंजर उठा के लेके जाएगा, क्या वो कानून से चलने वाला आदमी चुप रहेगा? बिल्कुल चुप नहीं रहेगा। तो जब वो मुंह खोलेगा तब दंगा होगा। मैं प्रशासन से करूं और डीजीपी साहब से गुजारिश करता हूं कि ऑडियो का कॉपी हम लोग आपको देगा, उसका वीडियो का कॉपी हम लोग आपको देगा, इसके बारे में अच्छी तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए। दोस्तों और साथियों, साथ में प्रशासन से बोलूंगा कि जितने भी ऑटो चलते हैं उनका लाइसेंस का वेरिफिकेशन हो, उनकी जितने लोग हैं जो आइलैंडर कार्ड भी रखे हैं, लोकल सर्टिफिकेट भी रखे हैं, उनका वेरिफिकेशन हो, क्योंकि पैसा देकर के या जाली तरीके से कुछ भी किया जा सकता है। अंडमान में जैसे मैं कह रहा था कि पूरा प्रशासन भ्रष्ट नहीं है, ईमानदार लोग भी है। आज का प्रशासन, मैं बार बार बोलता हूँ, आज का प्रशासन जो मुख्य सचिव है ईमानदारी से काम करता है, आज का जो डिप्यूटी कमिश्नर है ईमानदारी से काम करता है, मगर उसके बीच में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता अपनी दलाली करके गलत काम करा रहे हैं। तो दोस्तों और साथियों, ये लड़ाई यहाँ से शुरू हुआ है, आइलैंडर ऑटो वाले इसी गाड़ी चलाएंगे, इसका हम लोग कानून तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि हमको हमारा हक दे, और अगर हक नहीं मिला तो कानून तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमको जो भी करना होगा वो लड़ाई को लेकर के हम लोग आगे जाएंगे। आज हमको आप लोग कम लोग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कम है। हम लोग एकत्र होंगे, हम लोग जमा होंगे, हम लोग अपना हक कमारे बात करेंगे। ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, कोई पार्टी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। जिसको वोट देना है वो जब चुनाव आएगा अपना जिसका मर्जी है कहीं भी जाके डाल दो, नहीं है तो नोटा में डाल दो, जो मर्जी है। आपको लगता है ये नेता लोग कोई भी ठीक नहीं है तो उसके बाद में एक आदेश देता है नोटा उसमें डाल दो, कोई मना नहीं करेगा। मैं तो चाहता हूं कि जितने नेता आज है सब निकम्मे बैठे हुए, रोड नहीं हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बाहर के लोग नौकरी लेकर के जा रहे हैं, एनएच रोड पूरा खोद करके लेके गया, बिजली आता है चला जाता है, मेडिकल में दवाई नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल कॉलेज खोल दिया, सुपरिंटेंडेंट वहां पे आपके सीनियर स्पेशलिस्ट नहीं है, हमको मुख्य भूमि जाकर के इलाज कराना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नेता जो काम कर... तो इस वक्त हमारे साथ है जॉइंट एक्शन फोरम के प्रेसिडेंट अरविंद राय शर्मा जी, और हाल ही में आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऑटो वालों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुई थी, और आखिर क्या बात है जिसको लेकर आज इस मुकाम पर सर पहुँचे हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित है और ऑटो ड्राइवर्स, और सर ने आज यहाँ पर जो है पब्लिक मीट भी किया गांधी स्टैचू के यहाँ पर। तो आइए हम इनसे जानते हैं आखिर ये क्या है, क्या और इनका मोटिव क्या है। रोहित, बात ऐसा है, ये जो ऑटो ड्राइवर्स हमारे जितने भाई दिख रहे हैं यहाँ पे, आज क्यों एक साथ जमा होना पड़ा, क्योंकि 2007 में, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, 2007 में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक कानून बनाया था कि आइलैंडर्स को ही ऑटो परमिट दिया जाएगा, और जिसको परमिट दिया जाएगा आइलैंडर्स ही ऑटो चलाएंगे। देखिए, परमिट अगर आइलैंडर्स ही ऑटो चलाते वहाँ तक ठीक था, मगर अब देखा गया है दिन प्रतिदिन जो समस्या ये बढ़ते जा रहे हैं, बाहर के लोग आते हैं जिनको रास्ते का ज्ञान नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, मगर अब इसके पीछे में एक रैकेट चलने लग गया पैसा कमाने का।
समझे ना, वो पैसा कमाने के चक्कर में ये दिन ब दिन 10 मेरे ख्याल से महीना में 50 लोग आकर के भरते जाते होंगे, तो जिसके चलते हमारा जो आइलैंडर्स ऑटो ड्राइवर है जिनका रोजी रोटी, देखिए इनका कोई रोजी रोटी नहीं है, एक ही जरिया है, एक ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम करेंगे, पहले 1000-1500 रुपये का काम कर लेते थे, आज 500 रुपया भी नहीं आता है, इनका परिवार इनके ऊपर डिपेंड है, इनका फैमिली इनके ऊपर डिपेंड है, इनका बच्चों को इनको पढ़ाना है, स्कूल का फीस देना है, यहाँ तक कि कई ऐसे लोग हैं जिनका जो बूढ़े माँ बाप है उनका दवाई दारू उनका खाना पीना सब इनको देखना है, आज ये मामला आ गया कि एक दिन में इनके जेब में 300-400 रुपये भी नहीं आता, समझे ना, तो तब जा करके ये मुद्दा भी आया कि जब हम लोग के नॉलेज में आया कि 2007 का ये जो कानून था इस कानून को दबा करके रखा गया था। देखिए वो कानून होने के बावजूद भी इतने लोग जो भरते गए, इसके मतलब है कहीं ना कहीं से पुलिस का ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इवन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत पाक साफ है क्योंकि जो डायरेक्टर साहब है बहुत ही ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से काम, जब उनके नॉलेज में आया तो उन्होंने एसटीए का मीटिंग बुलाया, मीटिंग बुला करके फिर बात को लाया, तमाम कायदे से सबको नोटिस इशू किया, पुलिस को डायरेक्शन दिया, ये जो चीज़ है इसको रुकाए, तो अब ये जा करके क्या हो गया, इसमें भी एक यूनियन कूदक करके आ गया, जो यूनियन पहले से रैकेट चलाता था अब वो नॉन आइलैंडर के साथ में खड़ा हो, हम देखे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कई लोग ऐसे जो इसमें ना आप जब जा करके पूछोगे एक एक से तो उसमें कई लोग ऐसे बोलेंगे पहले क्या करता था जब अंडमान में आया था, वो आपको बोलेगा कि भाई हम पुचका बेचता था, दूसरा क्या बोलेगा हम ठेला लगाता था, दूसरा क्या बोलेगा हम बोला, अब ये सब वो छोड़ करके ऑटो में आ रहे। और दूसरा एक देखा गया है कि जिसके पास में पैसा है, देखिए ये कानून क्यों बनाया गया, ये प्योरली अनएम्प्लॉयमेंट को का कोई एक रास्ता निकालने के लिए कि एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो है एक ही ऑटो को लेकर के चलाएगा। अब क्या हो गया, आपके पास पैसा है मेरे पास पैसा है, मैं दूसरे का लाइसेंस ले रहा हूँ, उसको एक 10,000 रुपया दे दिया, वो 10,000 में खुश है, मैं उसके नाम से परमिट निकाल रहा हूँ, ऑटो मेरा है, पैसा मेरा लगा, हम उसको बाहर वाले को 500 रुपया में किराए में दे करके छोड़ दिया। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो आइलैंडर्स का जो एक मात्र ये उद्देश्य था कि इसमें कुछ हद तक में बेरोजगारी सॉल्व होगा, आज वो चीज़ खतरे में आ गया। तो जब पानी एकदम सर से उतर गया तो इन लोगों ने बात किया, बात करने के बाद में श्रीनु मेरे पास आया, बात किया, बोला भैया ऐसा बात है, कई जगह गया था, कई दरवाज़ा खटखटाया, कई लोग फिर उसमें आनाकानी करते क्योंकि देखिए राजनीति का क्या है मकसद ना, सबको लेकर चलना, आईलैंडर नॉन आईलैंडर सबको लेकर के चलते हैं, मगर कहीं ना कहीं तो हम लोगों को फैसला करना पड़ेगा, अपने लोग को साथ में जाना पड़ेगा। अंडमान में कोई जरिया नहीं है हमारे पास में, कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, जो नौकरी बाहर से आता है ये भी ऑनलाइन कर दिया गया है, इसमें भी बाहर के लोग चले जाते हैं। अभी आप ऑटो में आप जा करके देखिए बीए किया वाला बच्चा भी मिलेगा आपको, एमए किया वाला भी बच्चा इसमें मिलेगा, तो मजबूरी हो गया, हमारा नौकरी बाहर के लोग जाते हैं, ये छोटा सा इंडस्ट्री है इसमें भी बाहर के लोग को जाते हैं, तो इसलिए हमको आज जमा होकर के आवाज़ उठाने का ज़रूरत पड़ा जो हम लोगों ने आपके सामने में रखा है बात को। लेकिन ऐसा क्यों, देखिए वो लोग भी काफ़ी सालों से जहाँ तक पता चला ऑटो चला रहे हैं, और ये एक रूमर्स फैल रही है कि जितने बंगाली और ऑटो वाले और जो यहाँ के लोकल है इनके बीच में जो है कुछ डिस्प्यूट हुई और उसके कारण ही दो दिन पहले यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी हुआ। नहीं नहीं देखिए ये जो बंगाली नॉन बंगाली तमिल तेलुगु जो बोलने वाला बात है ना, ये प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड क्या है, ये एक मिनी इंडिया है, मैं यूपी से हूँ, ये हमारा भाई तमिलनाडु से, ये भाई अपना बंगाल से होगा, इसमें बंगाली भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, मलयाली भी है, रांची भी, सब मिले हुए हैं। मतलब आपका मोटिव कोई बिल्कुल आइलैंडर्स नॉन आइलैंडर्स, देखिए बिल्कुल इन दोनों के बीच में ही आप बस बिल्कुल ये रूमर्स फैलाया जा रहा है। अरे बंगाली कैसे हमसे अलग हो सकता है, ये सेटलर क्या बंगाली नहीं है सर, ये हमारा सवाल नहीं है, ये चीज नहीं, मैं ये चीज आपने भी सुना होगा। नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के मुद्दा को फैलाया जा रहा है, क्योंकि देखिए अंडमान से बंगाली अलग ही नहीं हो सकता, तमिल अलग नहीं हो सकता, तेलुगु अलग नहीं हो सकता, किसी को मालूम नहीं है नेता लोग को, यहाँ पे ऐसे ऐसे बस्ती है जो pre-42 तमिल है, pre-42 तेलुगु है, आप नया गांव जाइए, भीमलीटान जाइए, सब pre-42 लोग है, वो ओरिजिन तमिल से है, और जिसके माँ बाप यहाँ 50 साल पहले आए, जो जिनके बच्चे यहाँ में पैदा हुए, 40 साल उनका उम्र हो गया, 50 साल उनका उम्र हो गया, जीवीपंत में पैदा हुए, वो बाहर का कैसा हो सकता है, कोई बाहर का नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ तमिल तेलुगु बंगाली मलयाली कोई नहीं है, ये जो सातिर लोग हैं जिनका रोजी रोटी उससे चलता है वो चलता है। अतः आपने पूछा ये लोग इतने साल से चलाते, देखिए ये गलती उनकी है, ये गलती हम लोगों का नहीं है, मतलब उनको सही टाइम में रोका नहीं गया। नहीं रोका नहीं गया, रोका नहीं गया, एक तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का गलती है, प्रशासन का गलती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में कुछ लोग पहले गलत लोग थे जो उनकी भी गलती है, ठीक है, दूसरा इनकी भी गलती है। अभी आप गाड़ी ले रहे हैं, आपको कानून मालूम है,
आपका नाम में वो गाड़ी नहीं होता, आप गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं? जब आप लाखों रुपया दे करके गाड़ी ले रहा है, गाड़ी को आप अपने नाम में ट्रांसफ़र नहीं करा सकता और बेचने वाला नहीं कर सकता, तो आपको समझना चाहिए। आप इतना दूर से आ गया, मेनलैंड से आप यहाँ आ गया, तो आपको बुद्धि है। आप कुछ का बेचते बेचते या कुछ और काम करते करते, लेबर का काम करते करते आप ऑटो लाइन में आ गया, आपको बुद्धि है। तो आप जब गाड़ी ले रहा है दूसरे का, आपका नाम में गाड़ी नहीं हो पा रहा है, तो आपको समझना चाहिए यार ये तो कोई दो नंबर घोटाला है। तो घोटाला में तो आप कूद है ना, आप जबरदस्ती वो घोटाला में गया, हम लोग आपके साथ में कोई जाति नहीं करे, समझे ना। तो ये दूसरे को ब्लेम करना गलत बात होगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे गलती हो गया, गलत हो गया, तो उसको हम लोग खींचते जाए, कहीं ना कहीं तो उसका रोकथाम करना पड़ेगा। और उस दिन जो यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी वो, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए वो भी एक झूठा केस था। ये जो आनंद है हमारा, हम तो बोलता ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, आनंद को, हम तो बोला DSP के पास में गए थे हम लोग, बोला आप खबर दो। ये क्या करता है, देखिए कहीं भी एक आदत सा हो जाता है, इसका आदत है, कहीं भी गैरकानूनी चीज़ होता है, लोग बोलते हैं ना सोशल मीडिया में बनाओ डाल दो, तो ये खबर दे देता है। तो वो जो रत्ना मार्केट है, यहाँ से एक लाइन जाता है ऑटो का, कायदा से ट्रैफिक डिपार्टमेंट और यहाँ के लोग मिलकर के ये बनाए हैं कि वो लाइन से जा करके जो पहला गाड़ी ऑटो रहेगा वहाँ से पैसेंजर पकड़ के जाएगा। अगर पीछे में कोई आके चढ़ता है तो पीछे वाला बोलते थे नहीं नहीं आप सामने में जाइए, मतलब इतना शांतिपूर्वक तरीके से चलता था। ये जो नॉन आईलैंडर है उनके हमेशा का तमाशा बन गया। आप कभी कैमरा लेके खड़ा होइएगा, अभी भी होगा, वो रत्ना मार्केट के सामने सिटी शॉप के सामने से वो जा करके ऑटो पकड़ेगा। और जैसे ही पकड़ने लगा ये अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग शुरू किया, तो रिकॉर्डिंग शुरू करा तो पहले इसका मोबाइल में हाथ मारा, फिर उसको गाली दिया। अब जब मोबाइल छीनेगा तो धक्का मुक्की होगा, तो सातिर लोग क्या करते हैं, ये तो सोचा बात वहीं खत्म हो गया, वो भागा थाना, और थाना गया तो जब थाना में जब मालूम हुआ कि भाई मामला ये है, तो फिर दोनों का FIR NC कटा। मगर उसको तुमको मानने का ज़रूरत नहीं है। देखिए लाइन कौन बनाता है, प्रशासन बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, पुलिस ने कानून बनाया, कहीं तुम्हारा जहां मर्जी है तुम गाड़ी उठाओ, शोम्पेन के सामने से उठाओ, रत्ना मार्केट के सामने से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, तुमको मानने, मतलब ये क्या है, ये आपस में भड़का करके लड़ाई लगा करके अपना जो मुद्दा है, जो आईलैंडर नॉन आईलैंडर का मुद्दा है कि उस कमाई बंद हो गया है, जो डेली का कमाई है ना वो कमाई बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है अगला को, तो ये तमाम मुद्दा भड़का करके इसके करने गए। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटा सा मुद्दा था ये। थैंक यू सर हमें इसके बारे में ब्रीफ करने के लिए। नमस्कार, आज हम लोग ये गांधी स्टैच्यू को हमें इतना जुड़े हुए, तो आईलैंडर और नॉन आईलैंडर ये मुद्दा कर लेकर हम लोग काफ़ी साल से लड़ रहे हैं, और हम लोग आज सब एकजुट होकर इस मुद्दा पर हम लोग खड़े हैं। आज हम लोग रोड तक आया बोलने से इनका कानूनी जो भी है कोई तरह रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट कोई तरह फील्ड में काम नहीं कर रहा है। बस हम लोग का आने वाला 20 तारीख को सुबह 9 बजे हमारा अनारकली कमेटी हॉल में एक मीटिंग अरेंज किया है, इसमें हमारा सारा आइलैंडर्स भाग लिए और इस मीटिंग पर अटेंड कर दीजिए। इसलिए हम लोग जो यजुन कुरा जुड़ा है ये बस इतना ही नहीं है, और भी हमारा स्टैंड ज़्यादा है। हम लोग जब हम लोग वक्त आएगा उस टाइम हम लोग कितना हम लोग स्ट्रेंथ है वो हम लोग दिखाएंगे। धन्यवाद।